BDA Joint Action Committee, आपका बहुत मशहूर है कि आपने अरालात में यहाँ पर जो हम लोगों के हड़ताल वगैरह चल रहे थे, तालाबंदी था, उसमें आप लोगों ने हमें बेहतरीन कवरेज दिया और हमारी आवाज़ उखाम बाला तक पहुँचाने में मदद की। जैसे कि आप साथियों को इलम में है कि BDA के कंट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए BDA Joint Action Committee के प्लेटफार्म से पिछले 10 सालों से मुसलसल जदोजहद हो रही है और इसके ये जो हम लोगों के सूबाई काबीना में पिछले सूबाई काबीना में वज़ीर आला कुद्दूस बुज़िनजो के दौर में हम लोगों को कंट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने की समरी भी हो चुकी थी काबीना में। इसके लिए फिर हम लोगों ने प्रेस क्लब क्वेटा के सामने एहतजाजी अलामती बुक हड़ताल कैंप, सूबाई असम्बली के सामने मुजाहरे, प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हेड ऑफिस की तालाबंदी और इस ज़मन में मुख्तलिफ अदवार में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकातें, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकातें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी के तमाम जिम्मेदारों से इस बारे में कई बार मीटिंग हुए लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा। लिहाजा अब तंग आमद बजंग आमद, चूँकि हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद BDA Joint Action Committee इस नतीजे पर पहुँची है कि आज बरोज़ मंगल से प्रेस क्लब क्वेटा के सामने तादम मर्ग बुक हड़ताली कैंप लगाया जाएगा जब तक हमारा मुतालबा कंट्रैक्ट मुलाजमीन और प्रोजेक्ट मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जाता, हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। जो कि हम लोगों का सूबाई कैबिनेट में मंजूरी हो चुका है और इसके लिए सिर्फ एक कमेटी का तश्कील था जो 4-5 चीज़ें देखने थी उसने, और उसके बाद हमें रेगुलर के आर्डर देने थे जिसमें ब्यूरोक्रेसी टाल मटोल से वो बाने कर रही है और टाल मटोल का वो कर रही है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने भूख हड़ताल तादम में भूख हड़ताल रखा है जो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम लोगों का ये जायज़ मुतालबा पूरा नहीं होता है। मेहरबान। नहीं, हम लोगों का मुख्तलिफ अदवार में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी हम लोगों ने तालाबंदी किया था, इसमें 18 दिन हम लोगों का तालाबंदी जारी रहा, इसमें भी हम लोगों के पास हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकराती टीम नहीं आई ना उसके तरफ से कोई पेशरफ्त हुआ है। एक कमेटी का अभी मीटिंग हुआ है, उसका भी नतीजा सिफर है, उसमें भी कोई वो नतीजा नहीं निकला है कि उसका, अगर वो नतीजा निकलता फिर भी बंदा कहता कि उसमें कुछ हुआ है। 772 मुलाजमीन है कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के। सर, इसमें थोड़ा सा वजाहत करता चलूं सर, एक तरफ रमजान है दूसरी तरफ भूख हड़ताल, तो कुछ इस्लामी अकदार के भी ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग तो रोजेदारों को आप किस तरह उसमें भूख हड़ताल, कितने लोग दादा मक हड़ताल पे बैठेंगे, कौन कौन है वो नाम भी बताएं। नाम भी बिल्कुल हम लोगों की लिस्ट में है, नाम भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तकरीबन थोड़ा समय साथी की इजाज़त से वजाहत करता चलूँ कि हमारा ये प्रोटेस्ट पिछले 10 सालों से, जैसे साथी ने सवाल किया, और इसके लिए हमारे पास 22 बंदे इस वक्त वो कारताली कैब में बैठेंगे। जहाँ तक बात रही रमज़ान मुबारक की, रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर है हम पिछले 10 सालों से मुसलसल रो रहे हैं और इस्लामी अकदार और अखलाक के दायरे में रहते हुए किसी ब्यूरोक्रेसी की यह फर्द ने एहसास नहीं किया है कि हम 15,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 772 मुलाजमीन जो है वो गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा हम इस वक्त अगर ये तय कर चुके हैं कि हम मरने को तैयार है, तो इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए किसी भी तौर किसी भी हवाले से, जहाँ तक जाना पड़े इंशाल्लाह एक्शन कमेटी इस पर हर इकदाम करेगी। इसमें नाम अगर मुनासिब समझे साथी मैं ले लूँ, नहीं वो नाम लिस्ट दे देंगे सबको। उहदेदार भी है, मुलाजमीन सब है, बिल्कुल कुल मिला के मतलब 22 है। उसमें ये है कि उहदेदार भी है और मुलाजिम भी है, दोनों हैं, दोनों उसके है। शुक्र है कि आपने अरालात में यहाँ पर जो हम लोगों के हड़ताल और इसके ये जो हम लोगों के सूबाई कैबरी हो चुका है और इसके लिए सिर्फ एक कमेटी का तश्कील और इस्लामी अकदार और अखलाक के दायरे में ये है कि उहदेदार भी है और मुलाजिम भी है। Ya da 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 da